बाद का सीजन है यार, कभी बारिश कभी धूप, तो ऐसे इलाके में जल्दी से निकल लें क्योंकि मलबा वगैरह कभी भी गिर सकता है, बरसात का मौसम चल हुआ है। भाई साहब से डर लग रहा है मेरे को यार, भाई साहब पता नहीं क्या कर रहे हैं। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल द राइडर राजीव। तो दोस्तों आज मैं बारिश में राइड करने जा रहा हूँ, तो मैंने अपना पूरा जुगाड़ पैक करके रखा हुआ है, तो फ़ोन वगैरह सब कुछ बैग में डाल के रखा हुआ है, ये देखो, और चार्जर शूज़ वगैरह सब कुछ निकाल लिए हैं बाहर, और ये रहा शेकर, इसको भी साथ में लेके जा रहा हूँ, और बैग हो रखा पूरा पैक, और साथ में मैंने डाल रखा रेनकोट, आप देख सकते हो। तो अभी भी थोड़ा बाइक को कोल्ड स्टार्ट होने के लिए गया था, तो हल्के हल्के बारिश लगी हुई है, बट एक बात की टेंशन है वो है अगर ज़्यादा ही बारिश लग पड़ी तो फिर गोप्रो को मेरे को हेलमेट से निकालना पड़ेगा, क्योंकि इसका जो माइक अडाप्टर लगा रखा मैंने, तो ये वाला जो है ये वाटरप्रूफ नहीं बचा है अभी, तो ज़्यादा बारिश लगेगी तो हम कैमरे को निकालेंगे हेलमेट से एंड बैग के अंदर डाल लेंगे, और अगर हल्की हल्की बारिश लगी रही फिर हम राइड करते रहेंगे। तो चलो जल्दी से मैं मिलता हूँ आपको बाहर। देखिए दोस्तों, रात को भी भयंकर वाली बारिश हुई है, और अभी भी हल्की हल्की बूंद बूंद बारिश लगी हुई है, एंड बाइक हो रही है कोल्ड स्टार्ट, एंड सिक्योरिटी के ऊपर ही पानी पानी हो गया, कोई सीन नहीं, बस में आज राइड करने का मजा आएगा कसम से यार। बट मैंने ग्लव्स नहीं डाले हैं क्योंकि गीले हो जाएंगे और सुखाना मुश्किल हो जाएगा उनको, क्योंकि ऊपर देख सकते हो आज पूरा दिन बारिश ही बारिश रहेगी। तो चलो यहाँ से चलते हैं अभी फुल पावर के साथ, एंड आंगन पे आराम से बाइक को मोड़ूंगा क्योंकि आंगन पूरा फिसल भरा हुआ है। अब किसी बात की टेंशन नहीं है बस मेरे को, क्योंकि शूज मैंने देखे सकते निकाल रखे हैं एंड चप्पल डाल रखी है, पाँव वगैरह गीले होते रहेंगे, कोई सीन नहीं। बारिश के दिन में यार बाइक को बिल्कुल केयरफुल चलाना पड़ता है, क्योंकि रोड होता है बिल्कुल गीला एंड टायर भी गीला हो जाते हैं, इससे बाइक स्किट होने के पूरे पूरे चांस रहते हैं। बट हम ओवर स्पीड में नहीं भगाएंगे, बिल्कुल कंट्रोल में बाइक को भगाएंगे। अभी तो बिल्कुल सीन ठीक चला हुआ है फिलहाल, और कैमरे के लेंस को मैं बार बार साफ कर रहा हूँ, पानी नहीं छोड़ना चाहिए लेंस के ऊपर, अगर पानी छूट गया फिर तो आपको पता ही है वीडियो की क्वालिटी वो धुंधली धुंधली आएगी और आपको वीडियो देखने में मज़ा नहीं आएगा। जो भी भाई साहब हिमाचल में घूमने फिरने के लिए आ रहे हैं, मैं उनसे एक ही रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि प्लीज़ आप पहाड़ी इलाकों में खड़े ना हो, क्योंकि देखो अभी भी मलबा गिरा हुआ है, तो ऐसे इलाके पे जल्दी से निकल लें क्योंकि मलबा वगैरह कभी भी गिर सकता है, बरसात का मौसम चल हुआ है एंड कितने कितने बड़े बड़े पत्थर ऊपर से आ रखे हैं, तो मैं भी यहाँ से जल्दी से निकल ही लेता हूँ। यहाँ पे हो रखी है बारिश एकदम से बंद, तो साल का सीजन है यार, कभी बारिश कभी धूप, कहीं बारिश होती नहीं यार। चलो अच्छा हुआ वीडियो अच्छी तरह से बन जाएगी, वरना बारिश लगी रहती तो कैमरे को बार बार साफ करना पड़ना था। मैंने तो सोचा था कि आज बारिश पे राइड करूंगा और राइड करने का मजा आ जाएगा यार, धूम मचा दूंगा आज, बट बारिश तो हो रखी है यहाँ पे बंद, कोई सीन नहीं, चले रहेंगे हम भी, हार नहीं मानेंगे बस। तो इस भाई साहब से डर लग रहा है मेरे को, बीच बीच में जल्दी से ही ब्रेक मार दे रहे हैं, देखो 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 देखो, यार भाई साहब पता नहीं क्या कर रहे हैं। हम पहुंच चुके हैं पालमपुर, एंड यहाँ पे तो मौसम मेरे को ठीक लग रहा है क्योंकि बारिश की एक बूंद भी नहीं गिर रही अभी, पहले तो यहाँ पे काफ़ी बारिश हुई है,
तो जल्दी से चलते हैं रूम के अंदर एंड कपड़े वगैरह चेंज करते हैं और फिर कर लेते हैं अपना काम। एंड देखो कीचड़ कीचड़ पड़ रखा है यार बाइक का, क्योंकि मैंने इसके मटगार्ड को रिमूव कर रखा है एंड कीचड़ पूरा उछल के पीठ पे गिरता रहता है। तो कोई सी नहीं, कुछ पाने के लिए कुछ होना पड़ता है। बाइक में मोड़ के से जाइए फिर तो ये छोटा मोटा हमें झेलना पड़ेगा।